हेलो। हाँ हेलो भाई, जुनैद साहब बोल रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? माशाल्लाह, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का करम है, बुजुर्गों की दुआ है। हाँ बोलो जी। ना खाना खाना तो फारिग हैं आप, बात हो पाएगी ना खाए? आपसे? खाना कभी नहीं खाया, इंशाल्लाह खा लूंगा थोड़ी देर। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप सारे जनाब? बैंगलोर। बैंगलोर के? आप? मैं लखनऊ, यूपी लखनऊ में रहता हूँ। हाँ, यूपी। माशाल्लाह, देवबंद। नहीं, यूपी में देवबंद नहीं है, यूपी में बरेली भी है बरेल में भी है क्या? हाँ, जी। शायद। नहीं, मैं तो वहां से वाकिफ था ना, इसलिए बोला। अच्छा, और बहरहाल जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। चलिए, हम लोग बहुत माशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हाँ करें हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ। जी इंशाल्लाह। तो कोई हर्ज नहीं, कोई आपसे दिक्कत बात नहीं करके भी वैसे भी खुशी हुई है। हाँ माशाल्लाह। बताइए। तो पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि मेरा नाम है राहिल खान और मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। माशाल्लाह। आप अपना तारुफ करा दें हाँ, मेरा नाम जुनेद अंसारी, जी। मैं ऐसे बैंगलोर से हूँ और मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। तो और आप मेरा मेरा भी मसला यही है, जी हनफी हूँ, जी देवबंदी इमाम हैं अबू आप? हनीफा का फॉलोअर हूँ। हाँ, और देवबंदी हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले समझा था कि आप अहले हदीस हैं। नहीं भाई, अलहमदुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो चलिए, जो हम लोग के और एक बीच बात भाई, और जी एक बात बोलो। जी चलो, इख्तिलाफी मसाइल तो रहते ही हैं। जी मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हो जाइए, आप जी जिसमें हैं बहुत खुशी की बात है। जी बस ये इख्तिलाफी मसाइल को जो उजागर करते हैं ना, उसी में बेजार आता है। बस आप शुरू जी कीजिए, मैं बता। जी अच्छा, एक पहली चीज क्लियर कर दूं कि ये मसाइल इख्तिलाफी नहीं है, ये अकीदा है। अकीदे में हाँ इख्तिलाफ जब होता है तो फिर वहां पर इत्तेहाद नहीं होता है। अगर मसाइल में इत्तेफाक है तो उसमें इत्तेहाद हो सकता है। जैसे कि हमारे चार आइम्मा इकराम हैं तो चारों अल्हम्दुलिल्लाह हक पे हैं, चारों मजाहिब हक माशाल्लाह पे हैं। माशाल्लाह। तो हाँ, उनमें जो बहुत मसाइल में इख्तिलाफ है, इस बिना पर उनमें इत्तेहाद तो है, लेकिन अगर अकीदों में इख्तिलाफ हो जाता तो फिर आपस में इत्तेहाद नहीं हो सकता था हाँ, सही बात। जी। और इस तो बात पर मैं बिल्कुल मुत्तफिक माशाल्लाह, तो हम लोग जो बात करेंगे इंशाल्लाह जल्द, तो इस्लाही तौर पे हूँ। बात कर रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैं आपकी इस्लाह कर दूं, आप मेरी भी इस्लाह कर सकते हैं हाँ भाई, हाँ भाई, जी। इंशाल्लाह जरूर। तो हम लोग के माखज क्या होंगे बात करने के? अब बस मैं, आप ही ने तो कॉल किया है ना, बस आपके क्या इतराजात थे हम पर बताइए बस। नहीं, हमारे चलिए तो ठीक है। खैर, तो हम लोग इंशाल्लाह जो बात करेंगे वो कुरान और हदीस और उलमाए दीन के जो अकवाल होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, वो हम लोग के नजदीक हुज्जत होंगे। और हमारी जो बुनियाद होगी, और हमारे मसले के अहले सुन्नत वल जमात से ही होगी, यानी इंशाल्लाह इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो है उसी पर जी, बात होगी, इमाम चार अबू इमाम के हनीफा नजदीक भी जो है उसी पर जी, बात होगी। उसके अलावा कहीं बात नहीं करेंगे आप? हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कीजिए, सहाबा जी से भी कीजिए। जी हाँ नहीं, असल में मामला ये है कि जब बात होती है किसी चीज पे तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ चार आइम्मा पे ही बात करें। अब अगर चार आइम्मा पे ही अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस तरह जब हम कुरान करीम की जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो तफसीर तो चार आइम्मा में से किसी ने करी नहीं है। नहीं भाई, जो मसलक पर हम हैं उस पर बात होगी, जी वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैं जी, यही लेकिन जो चार आइम्मा हैं उनका किसी और उलमाए दीन से या और किसी मुहद्दिस से उनका कोई किसी बात पे एतराज तो था नहीं, ना इत्तेफाकी तो थी रहा नहीं। ठीक है हूँ। हाँ ठीक है, जी। तो पहले कीजिए। तो आपकी ये जो आपका एतराज ये था कि 12 रबीउल अव्वल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई जी, यही आपका पहला था एतराज था। तो हाँ इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको कि जो इजमा है, क्योंकि हम लोग कुरान हदीस इजमा कयास ठीक है, तो 12 रबीउल अव्वल तमाम उलमा इकराम का जो इजमा है कि इस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे आलम के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए और इसी दिन सारी दुनिया में मुसलमान अपने नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न करते हैं। तो अब 12 रबीउल अव्वल का जो इजमे वाली बात है तो उसके लिए मैं आपको हवाले देना चाहूंगा। पहला हवाला मेरा ये है इब्ने इशाक रजी अल्लाह ताला नुमा, सन 85 से 151 हिजरी किसकी बात तक, कर रहे हैं आप? सन फिर से इब्ने स्टार्ट कीजिए। इशाक, सन इतने इब्ने शाखा। जी सन 95 से 100, मैं पूरे हवाले दे दूंगा उसके बाद आप बोलिएगा। सन 85 से 151 हिजरी तक आप इब्ने जौजी ने अल वफा
पेज नंबर 87 पे फरमाया, 12 बिलोवल, अल्लामा इब्ने हिशाम ने 213 हिजरी में, इब्ने हिशाम ने असीरतुन नवविया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 158 पर इरशाद फरमाया। इमाम इब्ने जरीर तबरी ने सन 224 से 310 हिजरी के बीच तारीख अल उमल व अल मुल्क जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 125 पर इरशाद फरमाया। अल्लामा अबू अल हसन अली मोहम्मद अल मवारदी ने 370 से 480 हिजरी में एलामुन नबुवा सफा नंबर 192 पे इसको नकल फरमाया। इमाम अल हाफिज अबू उल फता अल उंदलासी ने 671 से 734 हिजरी में आयुन अल असे जिल नंबर 1 सफा नंबर 33 पे इसको इरशाद फरमाया। अल्लामा इब्ने खल्दून रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 732 से 808 हिजरी के बीच में इब्ने खल्दून ने अत तारीख जिल नंबर 2 सफा नंबर 394 पे इरशाद फरमाया। मोहम्मद सादिक इब्राहिम अर्जुन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल नंबर 1 सफा नंबर 2 पे इरशाद फरमाया। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 950 से 1052 हिजरी के बीच मदारिजुन नबुवा जिल नंबर 2 सफा नंबर 14 पे इसको नकल फरमाया। इमाम कतलानी ने अल मुवाहिब अल लदुनिया जिल नंबर 1 सफा नंबर 88 पे इसको नकल फरमाया। तो ये मैंने आपको 9 हवाले दिए हैं कि ये 12 हाँ। रबीउल अव्वल पे इसका इजमा है, ठीक है? वो इजमा नहीं था, आपको पता है इजमा किसे कहते हैं? पहले आप बता दें इजमा किसे कहते हैं, हमें नहीं पता शायद। इजमा इसे कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम में हम बैठे हैं, अच्छा इसमें 10 स्टूडेंट हैं, अच्छा ये एक बात को 10 स्टूडेंट अगर माने तो वो इजमा होगा, अच्छा इसमें अगर एक भी ना माने तो इजमा नहीं होगा। आप हिस्ट्री से उठा के देखिए, आप डिक्शनरी से देखिए, अगर इजमा भी ना माने तो इजमा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। अच्छा, इजमा का दरअसल हकीकी माना बता रहा हूँ मैं। इजमा मतलब अब जो आप में और समझ में है वो ज्यादातर मैक्सिमम जितने नंबर से उतर जाकर इजमा कह देते हैं। अच्छा, आप डिक्शनरी में देखिए, आप लघवी माना बता रहा हूँ। इजमा इसे कहते हैं अगर जितने भी हैं ग्रुप नंबर जितने भी हैं वो सारे उस बात को माने। रही बात इजमा की, और मैं आपको 15वें हवाले दूंगा जिसमें अइम्मा इकराम सब मुत्तफिक हैं कि 9 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। बराए करम हवाले पेश कर दें। हाँ मौलाना, मैं दूंगा जी। थोड़ा वक्त वेट कीजिए अभी जी, इंशाल्लाह 10 मिनट पे 10 मिनट बताऊँ। हाँ अच्छा अच्छा, और रही बात मैं आपको दूंगा, और कोई सी बात थी आपकी? हाँ, आपको ये तो पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत कब हुए, उसमें तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। एक चीज मैं आपको ना मुझे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपने कहा कि इजमा वो है कि 10 में से 10 जो एक बात को फॉलो करे तो वो इजमा कहलाएगा। हमने आपको 9 हवाले दिए हैं, इसमें शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी हवाला है जी, शेख इब्ने हिशाम का भी है। तो ये तो 12 रबीउल अव्वल कह रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं और मैं मानता हूँ। शेख अब्दुल कादर जिलानी आप जानते होंगे शायद, सुन तो लीजिए मेरी बात, मेरी बात तो सुन। आप जो हवाले दे रहे हैं वो 9 तारीख से दे रहे हैं, हम 12 तारीख से दे रहे हैं। तो जितने भी मुहद्दिस इकराम है यानी कि उनका इजमा इस पे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप ये कैसे साबित करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ आपको मेरे प्यारे भाई, फिर आप ये कैसे साबित करेंगे 9 तारीख है? क्योंकि ये दोबारा कह रहे हैं, मैंने आपको 9 हवाले दिए, 9 12 कह रहे हैं। ये बताऊंगा जी, आप शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं जी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बुक में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश कब है पता है आपको? नहीं, आप बता दें। 10 मुहर्रम, ठीक है, 10 मुहर्रम अल हराम। अच्छा, कौन सी किताब में? चेक कर सकते हैं। कौन सी किताब? आप चेक कर सकते हैं उनके जो है सीरत नबी पर जो लिखे हैं। अच्छा, पूरी तरह ये अरब और अजम में जो हर जगह मशहूर है जी, जी। और रही बात है वो डेट ऑफ बर्थ में 10 मुहर्रम रबीउल अव्वल, 10 मुहर्रम हराम लिखे हैं। किताब का नाम बता दें। ये सीरत नबी, सीरत नबी जिल्द नंबर सफा नंबर रुकिए मौलाना, मैं वो भी चेक करके आपको बताऊंगा। जी जी, मैं इसे ट्विटर होकर नहीं बैठा था, बस आपसे गुफ्तगू ऐसे ही करने के लिए बैठा था। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए खैर, हम लोग 12 तारीख की जो इजमा की बात है, 12 तारीख की, उस पर तो अभी मामला फैसला भी नहीं हो पा रहा हमारे बीच में। चलिए उसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। और एक बात है, आपके नजदीक क्या है, आपके नजदीक कैसा है, बताइए आप। रुकिए पहले जी, आप ये बताइए, आपका और मेरा इत्तेफाक है 12 रबीउल अव्वल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए? नहीं, मेरा इत्तेफाक नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को रुखसत हुए। रुखसत तो उनका, रुखसत तो किसी और का नबी होता है ना,
हमारे नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह हयातुन नबी हैं। हयात से नहीं भी हयाती का खैर हो जी, नहीं आपके वहाँ देवबंदियों के मसलक में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हयाती होते हैं एक ममाती होते हैं। तो आप कौन से हैं? मैं हयाती का ही कायल हूँ। अच्छा, जो ममाती का कायल है वो दायरे इस्लाम में है, दायरे इस्लाम से खारिज है? वो बात नहीं कहूँगा। नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। किसी को नहीं छोड़ोगे इस्लाम में? नहीं, नहीं, किसी को काफर का सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए, अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ममाती हैं माज़ अल्लाह, तो फिर आप कुरान से दलील पेश करेंगे। भाई मैं तुमने कब कहा ममाती हूँ, मैं खुद हयाती का कायल हूँ। आप खुद हयाती के कायल हैं? आप नहीं ठोक रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप सपोज करिए कि आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती हैं, तो आप भी कुरान से दलील पेश करेंगे। जो आपके देवबंदी, मेरे भाई बात तो सुन लीजिए, आपके देवबंदी की बात किस पर हो रही है ये बात कीजिए। मैं आपसे एक चीज क्लियर होती जाए ना बात, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप हयाती के कायल हैं और आप ही के फिरते में कुछ लोग ममाती हैं, तो जब उनसे पूछा जाएगा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ममाती हैं, तुम उसकी दलील पेश करो, तो वो भी कुरान से ही दलील पेश करेंगे। तो अब ये बताइए कि कुरान करीम आपस में, कुरान करीम की कोई आयत जो है वो आपस में टकराती नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। नारे बफी हुदल्लिल मुत्तकी, ठीक है, और ये मुत्तकियों के लिए सिर्फ हिदायत है, जो गुमराह के लिए रहते हैं वो गुमराह ही होते हैं कुरान शरीफ को रखकर। जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आप पहले वो मुझे पूछ लेने दें, बराए करम पूछ लेने दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ये अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं है, तो ये कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं है? जो ममाते हैं वो भी दलाइल देते हैं, लेकिन बहस में इस पर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ये दीन का मामला है, नहीं कमेंट की बात नहीं, ये हकानियत की बात हो रही है। इस पे आपको कमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि आप हयाती हैं। अगर आप हयाती मानते हैं तो यानी कि आप कुरान और हदीस से आप इस्तदलाल कर सकते हैं। आपको पता है मौलाना इलियास दुमन साहब? जी हाँ जानते हैं। हाँ, मैं उन्हीं के मसलक के अहले सुन्नत वल जमात का हूँ। वो तो हयाती के फुल खायल है, हयाती के इस पर ही दलाइल करते हैं। तो छोड़िए, आप और मैं ही हयाती हैं, तो हमें कोई अच्छा, बात नहीं है। अगर वो हयाती के कायल हैं, तो इसी तरह से आपके इस्माइल देहलवी ने तफ़ीतुल ईमान में लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह मरके मिट्टी में मिल गए। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं और आप हयाती हैं, तो नहीं, बात देखिए, पहला मसला उठता है अगर हमारे और आपका मसलक सेम होता तो हम आपसे मसले मसाइल पे बात कर सकते हैं। नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम नहीं, इसीलिए इसमें अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात, आप पता नहीं भाग क्यों रहे, आप सीधी सी जवाब दे दीजिए। अब जो इंसान ये कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग रखता हुआ अकीदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी हैं, तो वो बकौल आपके और बकौल हमारे भी वो मुसलमान है। अब अगर कोई इंसान ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं है, तो वो आपके बकौल क्या हुआ, या वो उम्मत के नजदीक क्या हुआ, इजमाए उम्मत के नजदीक वो इंसान क्या हुआ, वो मोमिन मुसलमान रहेगा या वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, जब मैं हयाती का ख्याल हूँ तो हयाती पर रहने दो, ममाती का लेकर मैं क्या करूँगा? अरे नहीं भाई, आप अगर हयाती के कायल हैं तो आप कुरान और हदीस से ही पढ़कर ही तो आप कायल हुए हैं। आपने अपनी पर्सनल राय तो इसमें डाली नहीं है। तो मेरा और देखिए, कुरान में कोई दो आयत कौन आपस में टकराती नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, यानी कि आप खुद अपने आप को हक पे जानते हैं तभी कहते हैं, और अगर कोई कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं है, उस पे फिर क्या फैसला किया जाएगा? वो क्या वो भी उसको भी इस्लाम में मान लिया जाएगा, इस्लाम से बाहर माना जाएगा? ये और एक बात है, आपके नजदीक ये क्या है कि आवाज नहीं आ रही, फिर से जी। आपके यहाँ अल्लाह के अलावा और कौन कौन आलिमुल गैब है? नहीं, हमारे वहाँ अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है।
और आलिम गैब होंगे शायद। नहीं बिल्कुल आलिम गैब नहीं, किसी ने रसूल आलिम गैब आलिम है, बेहिसाब बरेलवी लोग हैं जी। नाम बताएं को मुश्किल कुशा कहते हैं, आलिम गैब कहते हैं। मुश्किल कुशा एक अलग चीज हो गई, आलिम गैब अलग हो गया। मुश्किल कुशा का मतलब हो गया, मुश्किल कुशा का मतलब हो गया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस्तगासा ले सकते हैं कि नहीं, इस्तगासा कर सकते हैं कि नहीं। और इल्मे गैब का मसला अलग हो गया, इस्तगासा अलग है, इल्मे गैब अलग है। इल्मे गैब मैं आपको इल्मे गैब पे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फौरन जवाब दूंगा, लेकिन पहले अभी तक मेरा वो पुराना सवाल पेंडिंग है, उसका जवाब आना बाकी है। नहीं, नहीं, जो पहले आप ये बताइए, पहले सवाल मेरा था भाई, पहले आप उसका जवाब दे दे तो फिर हम दे देते हैं। आप एक बात छोड़ोगे तो फिर और एक बात निकलेगी। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, मा अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए मेरे हबीब जो भी इल्म आपको नहीं था हमने आपको सिखा दिया। इस आयते करीमा की पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, हमें बहुत लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी बात सुनते हैं, और हमें फिर वो लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं जब वो बोलते हैं और हम सुनते हैं उनकी बात। इस आयते करीमा की तफसीर में जितने भी साहिब तफसीर हैं, चाहे आप तफसीर जलालैन उठाएं, चाहे आप तफसीर रुहुल मौआनी उठाएं, चाहे तफसीर रुहुल बयान उठाएं, साहिब तफसीर ने इसमें लिखा है कि यहाँ से मुराद है कि अल्लाह सुभान व तआला ने अपने हबीब को इल्म गैब अता किया। आपने ये पूछा आलिमुल गैब अलग हो गया, हमारा अकीदा तो ये है कि जितना आलिमुल गैब तो अल्लाह है बेशक, आलिमुल गैब अल्लाह है, लेकिन उसने अपने हबीब को नहीं है क्या, आपका अकीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुभान व तआला ने इल्मे गैब अता किया, वो बात मुझे पता चल गई। आलिम गैब है या नहीं बताइए। अब आप ये नहीं देखिए, मैंने आपको कुरान से जवाब दे दिया इल्मे गैब के बारे में, नहीं आलिमुल गैब नहीं है, रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं है। किसने कहा मुश्किल कुशा? अरे मुश्किल कुशा इस्तगासा की तरफ चला गया, आप फिर कहीं और जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी एंड यू आर नॉट जस्ट गेटिंग ऑन अ सिंगल टॉपिक, यू आर ऑलवेज चेंजिंग द ट्रैक। If you want to have a conversation, a very peaceful conversation to me, then listen to me, my dear brother. First of all, you have to stay on a particular topic. You are just keeping on jumping from one topic to another, just like a monkey who is jumping from one branch to another. I never started. I simply pose a simple question to you that there in Deoband settlement. Yeah, definitely. Definitely, I'm going to ask you the question because this is the question of belief. This is the question of belief. And in your own sect, there are two sects. Further, your sect divide into two sects. One is Hayati, one is Mamati. Okay, so I just pose a simple, very simple question to you that those who are not having this belief that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is Hayat, and he is died, then what sort of verdict you wanna impose on the people who are just having this belief? A simple question to you, and you have didn't answer me at all. I already told you, man. Yeah, now you didn't told me. You didn't told me. You told me that you are Hayati, but I posed a thing. But I posed another question that those who are not having the belief of Hayati, are they be termed as Muslims or they are not Muslims? A simple question. Now I have to get the answer. I have to get the answer because. Definitely, because Ismail Dehlvi is a scholar and who is admitted and accepted among both of the two sects, either Hayati and Mamati. Okay, when you guys are having belief on Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam existence, then why you are also favoring your alim, your scholar Ismail Dehlvi? Because in Taqiyatul Iman he has clearly stated that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam died and he has mixed in soil, mazallah summa mazallah. So if you are having this belief, why are you not commenting on this line, on this book, on this statement of your scholar? Okay. Yeah, it is a non-Islamic. It is a non-Islamic statement. What non-Islamic? Yeah, it is contradicting with Islam and with your own belief also. Your belief is that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is Hayatun Nabi, and your scholar Ismail Dehlvi has clearly written in his book Taqwidul Iman that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has died mazallah and he has mixed in soil, and he is mixed in soil. So then too you are accepting him. Question. Then too you are accepting him as your Mu'tabar Ulama, Mu'tabar Scholar.
ओके ब्रो, कूल कूल, आई एम कूल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कूल नाउ. अनदर क्वेश्चन. No, no, no. First of all, you have to answer this question to me. No, no, no. That those who are not having, definitely you are going to, I am just giving you this time, I am giving you options. You can pose thousands of questions to me, inshallah, Zabajal. But beforehand, you have to answer a simple question to me, which I have posed you priorly, 5 minutes or 10 minutes later. But I have to acknowledge it. I have to acknowledge it. Because you guys are taking Ismail Dehlvi as your most caller. What type of Parelvi Surmas and all Parelvi people? No, I'm not discussing on that topic, my dear brother. Just tell me that those who are not having belief that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hayatul Nabi, they will be termed as Muslims or not? They will be termed as Muslims or not? They will be termed as Muslim or maybe not. Maybe you are not understood. Maybe you are not. Answer. Maybe you are not. It means maybe that you the are not Quran understood. No. I'm not talking about this. But I'm talking about it because I have posed a simple question to you and you are, I don't know why you are getting afraid in answering to my question. What's the matter, my dear brother? I'm not asking about. Do you have any I'm sort of fear? Asking, do you have any sort of fear that either your scholar is gonna hand you up and cuff you up? I know you are a scholar, sir. I am not a scholar. I don't have to take anything with Madarsa and the Islamic University. I have never been through. You're not Alim. Yeah, I'm not Alim. Then why you're talking? Okay. I am not Alim. I am a student, Islamic student. I am in search of knowledge. But on behalf of that knowledge only, I'm not going to any Madarsa. Okay. Yeah. My dear brother, without making any sort of nuisance out here, please reply me that those who are not having this belief that Rasulullah Hayatul Nabi, either they will be called as Muslims or they will not be called as Muslims. A simple question. Excuse me, just listen my answer. Yeah. I already told you, I am Hayati. You I'm are not Hayati. Talking about Mamati. No, I have you to talk about them because no. This is Aqeedah, this is Haq, this is Haq. I know. This is her. Quran says, "La rayba fi hudal lil muttaqin." Not a single ayat, not a single verse of Quran contradicts with another ayat. What do you think about music? 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 DJ music. Again, you are jumping to another topic. Again, you are jumping to another topic, my dear brother. Oh. I won't let you jump. I won't let you jump on any other topic. Beforehand, you have to answer me the simple question that those who are not having belief that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, they will be termed as Muslim, not be termed as Muslim. A simple question to you. I don't know why you are getting feared in answer. I think in your mind, in your heart, you are having the same belief as the another sect of the Uban is having in his heart that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is not Hayatul Nabi. And you are just saying via your tongue, but in your heart you are also having the same belief that Rasulullah is not Hayatul Nabi. Look, I already told you I am Hayati, Alhamdulillah. Yeah, I know you are Hayati, Alhamdulillah, MashaAllah, Summa, Alhamdulillah, Summa, MashaAllah. I praise you. Why are you asking again and again again? Because it is a simple, question. Okay, just tell me one thing. If a person goes to any temple, and he prays to the idol, that person will remain Muslim or non-Muslim? No, non-Muslim. Non-Muslim. That's good. Absolutely. That's good. In the same manner, if a person has belief that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is not Hayatul Nabi, he has died and mixed in the soil, that person will be called as Muslim or non-Muslim? Baba. What a great kick. I didn't go. Yeah, dear. Why are you making... If you are having any sort of problem in communicating and talking in English, I can back to you again in Urdu and Hindi. If you not a problem. I'm comfortable in English. Because I am going to post this conversation on YouTube. I'm having a channel running on YouTube with Rahil Khan on it. Channel? Its title. Rahil Khan on Haq. Rahil Khan on Haq. Yeah. Already many comment and on this particular topic and Bareilly and Deobandi. Yeah. I am fighting with all the deviant sects. Yeah, I am Rahil Khan. You are Rahil Khan. Yeah. Okay. And if you have gone through any of my debate, which are present daily on YouTube, then you have listened to it. I don't know. But I am only fighting with those who are of deviant sect and with those people also which are having blasphemy hidden in their heart. Hello. Can you tell me, sir? Sorry? Time off, sir. Sorry?
असल टाइम 5 o'clock, आफ्टर 5 o'clock. After 5 o'clock, I will not be having time because I am going to certain jalsa once again. Okay. Yeah. Then when you free again? Inshallah, at after 12 a.m. tonight. Oh. So. Can you attend tomorrow? What time? Okay. Inshallah, I will try my level best to call you up tomorrow. But beforehand, I'll tomorrow be obliged. Tomorrow, you tell me what the time. At what time you can be free? Evening. Inshallah, there was an evening. At what time? After 5 or 6? After 7 o'clock. After 7 o'clock. Okay. Okay, that will be better. But beforehand, just disconnecting the call, I would again like to get the same question to you. And if you can give me the answer in one word, I'll be very obliged to you. Please, don't hesitate in answering it, man. Don't hesitate in answering. Don't hesitate in answering that question, man. Because when you are going and me also going to the grave, and the third question when we asked by the farishta, ma kunta taqulu fi hadha rajul, then definitely we have to answer it. What we have said is what we have taken as our belief in us, in our real life. That the sentence we are only going to speak in the qabr also, in the grave also. So simple. If you are having the just like me, if you want to listen, my dear. Okay. Listen, dear. Please.